जय श्री कृष्णा मित्रों, जय माँ शमशान काली। आज मैं आपके समक्ष लाया हूँ फोटो से वशीकरण किस तरह से किया जाता है। अगर आप किसी भी इंसान को अपने वश में करना चाहते हो, चाहे वो आपका प्रेमी हो या प्रेमिका हो, आपका पति हो या पत्नी हो, चाहे आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, और आप जिस भी इंसान को अपने वश में करना चाहते हो, बहुत ही आसानी से आप इस उपाय द्वारा उस इंसान को अपने वश में कर सकते हो। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप ये उपाय को करिएगा। अगर आपको इस उपाय में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हो, और मैं आपको उपाय के बारे में जानकारी दे देता हूँ किस तरह से आपको ये उपाय करना है। जिस भी इंसान को आप अपने वश में करना चाहते हैं, उसकी एक साफ फोटो ले लीजिएगा और अपने समक्ष रख दीजिएगा। वो फोटो आपको ऐसी लेनी है जिसमें चेहरा सामने दिखाई दे और उसकी आंखों में झांकते हुए ध्यान मगन होकर डूबते चले जाएं। इसी ध्यान अवस्था में मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम हं सा हंकनी ठा ठा देवी महामाया ओम नमो फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मंत्र का जाप करिएगा। 1008 बार तो ये जरूर करिएगा मंत्र का जाप। और मंत्र का जाप आपको उस भाव में बनाए रखें जिसके अनुष्ठान आप ये उपाय कर रहे हैं। ये उपाय आपको रविवार के दिन से शुरू कर देना है। इस उपाय की खास बात और मैं आपको बता दूं, ये उपाय वशीकरण के लिए ही नहीं, आप अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई दुश्मन है या आपको कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो अपने भाव को इस मंत्र के उच्चारण द्वारा आप सामने वाले के इच्छुक व्यक्ति के रूप में करें, आपको फल आपके कर्म के अनुसार मिलेगा। अगर आपको इस उपाय में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप किसी अन्य विषय के ऊपर उपाय चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माँ शमशान काली।